नमस्कार, सेमन पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई मुलाकात में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकवादी हमले का मुद्दा उठाया। रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर हुई इस मुलाकात के दौरान स्वराज ने कहा कि वो ऐसे वक्त में चीन आई है जब भारत में शोक और गुस्से का माहौल है। यह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ सबसे भीषण हमला है। उन्होंने कहा कि यह हमला पाकिस्तान स्थित और समर्थित संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारतीय वायुसेना की ओर से जो भी कार्रवाई की गई है वह एक सैन्य अभियान नहीं था। इस हमले में किसी भी प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया था। उनका लक्ष्य जैश के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। उन्होंने कहा कि भारत हालातों को और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह हर जिम्मेदारी और संयम के साथ काम करेगा। गौरतलब है कि 14 फरवरी को आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। वहीं मंगलवार 26 फरवरी को तड़के भारत ने पाकिस्तान के भीतर हवाई हमला कर कई बड़े आतंकवादी शिविरों को तबाह कर दिया। टीम सीएमएन। राष्ट्रीय समन्वय सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर किए गए हवाई हमलों के लिए भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को बधाई दी। भागवत ने वायुसेना की एयर स्ट्राइक बढ़ाई करते हुए कहा कि पुलवामा में शहीद जवानों को 13वीं श्राद्ध सही तरीके से पूर्ण हुआ है। वहीं आरएसएस की ओर से एक बयान जारी कर कहा कि वायुसेना ने पुलवामा हमले के बाद भारतीयों के आक्रोश को कार्रवाई में बदला है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री विनोद कुमार ने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमलों को झूठा करार दिया है। कल गोंडा के सूरज होटल परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता झूठे हैं। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमले के लिए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय वायुसेना की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पड़ोसी मुल्क की फौज का मुखौटा करार देते हुए तंज कसा कि पूर्व क्रिकेटर द्विपक्षीय राजनीति को भी क्रिकेट का खेल समझ रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने वायुसेना की जमकर तारीफ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा जैश ए मोहम्मद के शिविरों पर किया गया हमला बिल्कुल नया तरीका है क्योंकि यह पहली बार है कि जब शांति काल में पड़ोसी देश स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत की स्ट्राइक के बाद जहां ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेताओं ने वायुसेना की जमकर तारीफ की, वहीं पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस हमले पर अलग ही राय जाहिर की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोग जंग की संभावनाओं को लेकर खुशी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सही मायनों में जहालत है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय वायुसेना के हमले के बाद ट्विटर और न्यूज चैनलों पर बड़े पैमाने पर युद्धोन्माद हुआ। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग की जंग की संभावना पर खुशी मना रहे हैं, यह सही मायनों में जहालत है। अपने एक ट्वीट में महबूबा ने कहा, अगर मेरा प्रतिरोध गैर जरूरी है और लोग उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हैं तो ऐसा ही हो, वो शांति का पक्ष लेंगी, वो लोगों की जान बचाने का रास्ता चुनेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन। तब तक के लिए नमस्कार।